कुछ भी अगर गलत काम कर रहे हो तो आपकी मम्मी पापा आपको हमेशा माफ कर देंगे। आप उनके पास जाइए, भले ही कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आपसे। तो इस मूवी में उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो गलत हो गया। अभी अपनी मम्मी के पास चली जाती तो शायद। बॉर्डर इंडिया टीवी द केरला स्टोरी पूरे भारत वर्ष में हर एक थिएटर में इस समय चल रहा है। जो ये जो मूवी है, सभी युवा वर्ग, चाहे युवा हो चाहे वरिष्ठ हो, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस मूवी का तारीफ भारत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि ये मूवी लोगों को देखना चाहिए। हमारे साथ में कुछ युवतियाँ हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस मूवी में क्या देखा और क्या संदेश देंगे हम लोगों को। क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में जो आपने इस मूवी में देखा? बिलीव नहीं हो रहा है कि ये होता है अभी भी और हो रहा है। वैसे इस मूवी में दिखाया गया कि ISI का जो संगठन है, किस तरह से ये लुप्त है, केरला में केवल है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बोल नहीं पा रही है, ये तब समझिए कि ये मूवी देखने के बाद कितना इमोशनल हो चुकी है कि किस तरह से युवतियों को वहाँ पे तड़पाया जाता है। लेकिन कुछ तो आपको संदेश देना ही पड़ेगा। अब इनके आंखों में आंसू भी आ रहा है कि किस तरह से लोग अपने प्यार में लड़कियों को बहला फुसला कर बाहर ले जाते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने ये मूवी खुद देखी है, इसलिए इनके आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन आपको मैसेज तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कई लड़कियां हैं जो ऐसे लोगों के प्यार में फंस कर बाहर चली जाती है, अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है। अगर गलत काम कर रहे हो तो आपकी मम्मी पापा आपको हमेशा माफ़ कर देंगे। आप उनके पास जाइए, भले ही कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आपसे। तो इस मूवी में उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो गलत हो गया उसके साथ। अगर वो तब भी अपनी मम्मी के पास चली जाती तो शायद ये सब नहीं होता। आप मानते हो कि माँ अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने हिंदू धर्म में क्या, किस तरह से हमारे देवी देवता हैं, हमारा धर्म क्या है, वो सिखाना चाहिए? हाँ, सिखाना चाहिए, नहीं तो हमें फिर बिलीव ही नहीं होगा। फिर कैसे भी हम इजिली, हमारा ब्रेन वॉश होगा तो हम कैसे भी पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ों में। जैसे कि आपने देखा, ये युवती की आंखों से अभी भी अश्रु बह रहे हैं, रोने आंसू थमने का नाम नहीं, क्योंकि इन्होंने देखा, इन्होंने महसूस किया कि किस तरह से उन महिलाओं, उन युवतियों पे किस तरह से लोग प्रताड़ित कर रहे होंगे। आज इन्होंने केवल महसूस किया तो सोचो उनकी क्या हालत हुई होगी। मैडम, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा बस इतना कहना है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना है, बट उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अभी मेरे पापा तो मुझे बचपन से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो मैं जानती हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अता पता नहीं है, उनके पेरेंट्स गाइड नहीं करते, उसके वजह से भी ये होता है। मैं उनको ही ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी ही गलती है, ये जो गलत हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट हमें भी थोड़ा अपने धर्म पे थोड़ा विश्वास होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि वो अच्छा लग रहा है तो उस पर चले जाए, ये ऐसा नहीं होता। हमारे घर वाले हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं बचपन से, ऐसा तो। लेकिन आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे युवतियों को देखा होगा जो अलग अलग लोगों से प्यार करती हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लव जिहाद में पड़ जाती हैं और फिर उनके ऊपर इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, यही दिखाया गया ना? हाँ जी, यही दिखाया गया है। पर सिर्फ प्यार ही देख के तो नहीं चला जाता है ना, मैं वो कह रही हूँ। अभी क्या संदेश देंगे उन युवतियों को कि जो आपके माँ बाप आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, उसे ध्यान दीजिए, उनको सुनिए। ऐसे ही नहीं कि किसी का प्यार हो गया या कुछ, अब ज़रूरी नहीं है कि प्यार ही प्यार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में रहना पड़ता है, अपने धर्म है, हमारा संस्कृति है, हमारे रूट्स कभी भूलना नहीं चाहिए। ये आगे जाके आप किसी को भी मिल लेंगे,
अपना संस्कृति भूल जाएंगे, अपना हिंदुत्व भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये दोनों युवती हैं, किस तरह से उन्होंने कहा कि अपने धर्म को, अपने पेरेंट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि अपने धर्म को आगे लेके चलना चाहिए। और ऐसे फरेबी प्यार करने वाले से आप सावधान रहे। इस मूवी में किस तरह से दिखाया गया कि ISI के लोग, ये केवल केरला का दिखाया गया है, ये हो सकता है हमारे आपके आसपास, हमारे नज़दीक में भी इस तरह की घटना घट रही हो, तो इनसे आप सावधान रहिए। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से जिन्होंने ये मूवी देखी। फिल्म जो बनी है पूरे समाज की महिलाओं को, समाज की बेटियों को एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है कि अपने संस्कृति से जुड़ के रहें, अपने परिवार से जुड़ के रहें। और हमारे एक परिवार के माता पिताओं के लिए भी संदेश है कि अपने बच्चों और अपनी बच्चियों और अपने में वैसे संस्कार हम दें जिससे कि वो बाहर की दुनिया में जाकर दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए, उनके साथ उनके बातों में ना आए और उनके साथ बहक के गलत कदम ना उठाएं जिससे बाद में उनके जीवन को पूरी तरह से वो बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा संदेश देती है फिल्म, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। यहाँ पर आज सभी लोग जय श्री राम, जय श्री राम, राम के नारे लगाते हुए और साथ साथ लव जिहाद बंद करो बोलते हुए अंदर में जो हमें समझ आया ये कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जो रिलीजियस है, हमारे सारे भगवान के बारे में जो उनकी महत्वता है वो भी बतानी चाहिए, उनका पावर बताना चाहिए। ये नहीं जैसे उस मूवी में बताया कि शिव भगवान खुद से ही भागे, वो अपने पत्नी को लेके भागे, ये बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें सही तरीके से अपने बच्चों को सिखाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें हमारे महत्व, हमारा सब कुछ, हमारे धर्म का सब उन्हें पता चलेगा और उसके हिसाब से ही वो खुद से खुद का फैसला लेना सही सीखेंगे। और ये लव जिहाद को वो खुद ही अपने धर्म में एक वैज्ञानिक है, हमारे धर्म, हमारे हमारे भोले जो भगवान हैं उन्हीं से ही सारी साइंस बनी हुई है और हिंदू से ही सारा वो बना हुआ है। लेकिन ये जो एज लिमिट बताया गया है पिक्चर पे, एज लिमिट नहीं रखना चाहिए, हमारी छोटी बच्चियों को भी ये पिक्चर दिखानी चाहिए ताकि उनको एक सीख मिले कि हमको आगे कॉलेज वगैरह में जाके हम लोगों को समझ में आए कि हमको क्या। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए कि हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, हर बात तुम मुझसे। फातिमा, फातिमा कहीं ना कहीं फातिमा जैसे लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हमारे बच्चों को अपने धर्म, धर्म तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों ने अपने बच्चों को हर धर्म के बारे में बताया है, लेकिन उनके धर्म के साथ बताते बताते हम बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में ही भी बताना बहुत ज़रूरी है। लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंस है। आपने वो मूवी में भले ही देखा लेकिन पुलिस में भी लास्ट तक आपने ये नहीं देखा कि उसका एंडिंग कहाँ हुआ है और अभी तक उसका एविडेंस नहीं। और ये हमें केरल का ही बस स्टोरी दिखाया गया है, मुझे लगता है ये देश के कोने कोने में होगा, देश के कोने कोने में और हर एक कॉलेज में, हर एक जहाँ पे भी, हर एक कोई जगह में कहीं ना कहीं एक शख्स होता होगा जो ब्रेन वॉश करता है। देखने से मुझे जो समझ में आया है उसमें ये पता चल रहा है कि हम अपने, मतलब अपने बच्चों को हम वो शिक्षा नहीं दे पा रहे जो सामने वाले दे रहे, जो इसमें दिखाया गया है। हमको भी अपनी बेटियों को और हमारे बच्चों को ये सब बताना ज़रूरी है कि हमारे भी भगवान, उनसे जो उन्होंने जिस भगवान का नाम लिया गया एक्चुअली वो शिव जी हैं, मैं ये मानती हूँ। तो हम अपने बच्चों को जब तक हम भी अपने धर्म में अच्छे से समझाएंगे नहीं तो बच्चे हमारे भी ये सब गलत फहमियों के शिकार होकर ये सब मैसेज देना चाहूँगी हमारे हिंदू समाज में कि जो भी चीज़ें होती हैं हम घर से सीखते हैं, हमारे अंदर माहौल होना चाहिए। जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा कि लड़कियाँ जो हैं वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रही हैं, अपने हिंदू धर्म के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। जब तक ये नॉलेज नहीं होगा तब तक ये घटनाएँ घटती रहेंगी। बहुत सी फातिमाएँ यहाँ भी घूमती रही होंगी, सब जगह घूम मिल जाएंगी, ऑफिस में, स्कूल में, बस स्टैंड पे, रिक्शा स्टैंड पे, स्टेशन पे, हर जगह फातिमा घूमती रहेंगी। बेटर है हम अपने पे ध्यान देंगे, अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, अपने धर्म की शिक्षा जब तक हम नहीं देंगे तब तक घटनाएँ घटती रहेंगी। हमें अपने धर्म को लेके विश्वास होना चाहिए और वही विश्वास अपने बच्चों में पैदा करनी चाहिए।
तब जाके ये घटना है। आपने देखा कि द केरला स्टोरी मूवी की लोगों ने काफी प्रशंसा की। यहाँ पर मूवी देखकर बाहर निकली लड़की रोने लगी और उस लड़की ने लोगों को ये संदेश दिया कि ऐसे प्यार से दूर रहे, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। और लोगों ने भी यही कहा कि लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए। ये तो केवल केरला की स्टोरी थी, तो सोचिए ये पूरे भारत में कहाँ कहाँ फैला होगा। हमें इससे सतर्क रहना है और लव जिहाद को स्टॉप करना है, जो कि ये ISI की सोची समझी रणनीति, और हमें इससे बचना है। बवंडर इंडिया टीवी के लिए काव्य वैद्य के साथ।